मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व समुदाय के सभी परिवारजन कुछ दिनों बाद एक दिसंबर से भारत जी ट्वेंटी की अध्यक्षता करेगा भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट थीम और लोगों को लॉन्च किया गया है मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों जी ट्वेंटी ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85 परसेंट जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है जी ट्वेंटी उन ट्वेंटी देशों का समूह है जो विश्व के सेवेंटी फाइव परसेंट व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं जी ट्वेंटी उन बीस देशों का समूह है जिसमें विश्व की दो तिहाई जनसंख्या समाहित है और भारत अब इस जी ट्वेंटी समूह का नेतृत्व करने जा रहा है इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के अमृतकाल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है उसका गौरव बढ़ाने वाली बात है और मुझे खुशी है कि जी ट्वेंटी समिट को लेकर भारत में होने जा रहे इससे जुड़े आयोजनों को लेकर उत्सुकता और सक्रियता लगातार बढ़ रही है आज जो ये लोगों लॉन्च हुआ है उसके निर्माण में भी देशवासियों की बड़ी भूमिका रही है हमने लोगों के लिए देशवासियों से उनके बहुमूल्य सुझाव मांगे थे और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि सरकार को हजारों की संख्या में लोगों ने अपने क्रिएटिव आइडियाज भेजे आज वो आइडियाज वो सुझाव इतने बड़े वैश्विक आयोजन का चेहरा बन रहे हैं मैं इस प्रयास के लिए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं साथियों जी ट्वेंटी का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है ये एक संदेश है ये एक भावना है जो हमारी रगों में है ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं वो विचार इस लोगों और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है इस लोगों में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर हमारी आस्था हमारी बौद्धिकता इन सब को एक साथ चित्रित कर रहा है हमारे यहां अद्वैत का चिंतन जीव मात्र में एकत्व का दर्शन रहा है ये दर्शन आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने इस लोगों और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है जी ट्वेंटी के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है फ्रेंड्स इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी इज कमिंग एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस एंड केओस in the world the world is going through the after effects of disruptive once in a century pandemic conflicts and lot of economic uncertainty the symbol of the lotus in the g20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. Even if the world is in a deep crisis, we can still progress and make the world a better place. In Indian culture, both the goddesses of knowledge and prosperity are seated on a lotus. This is what the world needs most today. Shared knowledge that helps us overcome our circumstances, and shared prosperity that reaches. The last person at the last mile. This is why in the G20 logo, the earth is placed on Lotus 2. The seven petals of the Lotus in the logo are also significant. They represent the seven continents. Seven is also the number of notes in the universal language of music. In music, when the seven notes come together, they create perfect harmony. But each note has its own uniqueness. Similarly, G20 aims to bring the world together. इन हार्मनी वाइल रिस्पेक्टिंग डायवर्सिटी साथियों ये बात सही है कि दुनिया में जब भी जी ट्वेंटी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का कोई सम्मेलन होता है तो उसके अपने डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल मायने होते ही हैं ये स्वाभाविक भी है लेकिन भारत के लिए ये समिट केवल एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है भारत इसे अपने प्रति दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है आज विश्व में भारत को जानने की भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है आज भारत का नए आलोक में अध्ययन किया जा रहा है हमारी वर्तमान की सफलताओं का आकलन किया जा रहा है हमारे भविष्य को लेकर अभूतपूर्व आशाएं प्रकट की जा रही है ऐसे में ये हम देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हम इन आशाओं आशाओ, अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की सोच और सामर्थ्य से भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें जिस तरह हम सदियों और सहस्त्राब्दियों से जय जगत के विचार को जीते आए हैं आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा हमें सबको जोड़ना होगा सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा विश्व के भविष्य में उनकी अपनी भागीदारी के लिए जागृत करना होगा प्रेरित करना होगा साथियों आज जब भारत जी ट्वेंटी की अध्यक्षता करने जा रहा है तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है लेकिन इसके पीछे हमारी हजारों वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है अनंत अनुभव जुड़े हैं हमने हजारों वर्षों का उत्कर्ष और वैभव भी देखा है हमने विश्व के सबसे अंधकारमय दौर भी देखे हैं हमने सदियों की गुलामी और अंधकार को जीने के लिए मजबूर भरे दिन देखे हैं कितने ही आक्रांताओं और अत्याचारों का सामना करते हुए भारत ने एक जीवंत इतिहास को समेटे हुए आज यहां तक पहुंचा है वो अनुभव आज भारत की विकास यात्रा में उसकी सबसे बड़ी ताकत है आजादी के बाद हमने शून्य से शुरू करके शिखर को लक्ष्य करके एक बड़ी यात्रा शुरू की इसमें आजादी के बाद के पिछले पचहत्तर वर्षों में जितनी भी सरकारें रही उन सभी के प्रयास शामिल है सभी सरकारों और नागरिकों ने अपने अपने तरीके से मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया हमें इसी स्पिरिट से आज एक नई ऊर्जा के साथ पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना है साथियों भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति ने हमें एक और बात सिखाई है जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की परिकल्पना भी करते हैं आज भारत विश्व का इतना समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है भारत के पास जितनी विशिष्टता है उतनी ही विविधता भी है ये डेमोक्रेसी ये डायवर्सिटी ये इंडिजीनियस अप्रोच ये इंक्लूसिव सोच ये लोकल लाइफस्टाइल ये ग्लोबल थॉट्स, आज वर्ल्ड इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों के समाधान देख रहा है और जी ट्वेंटी इसके लिए एक बड़े अवसर के रूप में काम आ सकता है हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जब एक व्यवस्था की साथ साथ एक संस्कार और संस्कृति बन जाती है तो कॉन्फ्लिक्स का स्कोप समाप्त हो जाता है हम दुनिया के हर मानव को आश्वस्त कर सकते हैं कि प्रगति और प्रकृति दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को केवल सरकारों के सिस्टम की जगह इंडिविजुअल लाइफ का हिस्सा भी बनाना है इसका विस्तार करना है एनवायरमेंट हमारे लिए ग्लोबल कॉज के साथ साथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनना चाहिए साथियों आज विश्व इलाज की जगह आरोग्य की तलाश कर रहा है हमारा आयुर्वेद हमारा योग जिसे लेकर दुनिया में एक नया विश्वास और उत्साह है हम उसके विस्तार के लिए एक वैश्विक व्यवस्था बना सकते हैं अगले साल विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स मनाने जा रहा है लेकिन हम तो सदियों से अनेकों मोटे अनाज को अपने घर की रसोई में जगह दिए हुए हैं साथियों कई क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां ऐसी हैं जो विश्व के अन्य देशों के भी काम आ सकती हैं उदाहरण के तौर पर भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग जिस तरह विकास के लिए किया है इंक्लूजन के लिए किया है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग गवर्नेंस ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए किया है ये सभी विकासशील देशों के लिए मॉडल्स हैं टेम्पलेट्स हैं इसी तरह आज भारत विमेन एम्पावरमेंट में उसमें बढ़ बढ़कर विमेन लेड डेवलपमेंट में प्रगति कर रहा है हमारे जनधन अकाउंट्स और मुद्रा जैसी योजनाओं ने महिलाओं के फाइनेंशियल इंक्लूजन को सुनिश्चित किया है ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में हमारा अनुभव विश्व की बड़ी मदद कर सकता है और जी ट्वेंटी में भारत की अध्यक्षता इन सब सफल अभियानों को विश्व तक ले जाने का एक अहम माध्यम बनकर आ रही है साथियों आज का विश्व सामूहिक नेतृत्व की तरफ बहुत आशा से देख रहा है चाहे वो जी सेवन हो जी सेवेंटी सेवन हो या फिर यूएनजीए हो इस माहौल में जी ट्वेंटी के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत की भूमिका बहुत अहम है भारत एक और विकसित देशों में से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है उनकी अभिव्यक्ति करता है इसी आधार पर हम अपनी जी ट्वेंटी अध्यक्षता की रूपरेखा ग्लोबल साउथ के उन सभी मित्रों के साथ मिलकर बनाएंगे जो विकास के पथ पर दशकों से भारत के सहयात्री रहे हैं हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो बल्कि केवल केवल वन वर्ल्ड हो भारत पूरे विश्व को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का आह्वान किया है भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ इस मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभियान चलाया है और अब जी में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भारत के यही विचार यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं साथियों आज मेरा देश की सभी राज्य सरकारों सभी राजनीतिक दलों से भी एक आग्रह है ये आयोजन सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं है ये आयोजन हम भारतीयों का आयोजन है जी ट्वेंटी हमारे लिए अतिथि देवो भव की अपनी परंपरा के दर्शन करवाने का भी एक बड़ा अवसर है ये जी ट्वेंटी से जुड़े आयोजन केवल दिल्ली या कुछ जगहों तक ही सीमित नहीं रहेंगे इसके तहत देश के कोने कोने में कार्यक्रम होंगे हमारे हर राज्य की अपनी विशेषता है अपनी विरासतें हैं हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपना सौंदर्य है अपनी आभा है अपना आतिथ्य है राजस्थान का आतिथ्य आमंत्रण है पधारो मारे देश गुजरात का प्यार भरा अभिनंदन है तमारू स्वागत छे यही प्यार केरला में मलयालम में दिखता है एल्लावरकुम स्वागतम अतुल्य भारत का दिल मध्य प्रदेश कहता है आपका स्वागत है पश्चिम बंगाल में मीठी बांग्ला में आपका स्वागत होता है अपना के स्वागत जाना ही तमिलनाडु में कदेगल मुड़ी बदलु जो कहता है थंगल वरव नलवर बाहू ये यूपी का आग्रह होता है यूपी नहीं देखा तो भारत नहीं देखा हिमाचल प्रदेश तो ये डेस्टिनेशन फॉर ऑल सीजन्स एंड ऑल रीजन्स यानी हर मौसम हर वजह के लिए हमें बुलाता है उत्तराखंड तो सिंपली हैवन ही है ये आतिथ्य ये विविधता विश्व को विस्मित करती है जी ट्वेंटी के जरिए हमें अपने इस प्यार को दुनिया तक पहुंचाना है साथियों अभी अगले हफ्ते में मुझे इंडोनेशिया जाना है वहां पर विधिवत रूप से भारत को जी ट्वेंटी की अध्यक्षता लिए जाने की घोषणा होगी मैं देश के सभी राज्यों से सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं वो इसमें अपने राज्य की भूमिका का, का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें इस अवसर का अपने राज्य के लिए लाभ उठाएं, देश के सभी नागरिक बुद्धिजीवी भी इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आगे आए अभी लॉन्च हुई वेबसाइट पर आप सभी इसके लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं अपने विचार प्रकट कर सकते हैं विश्व कल्याण के लिए भारत कैसे अपनी भूमिका को बढ़ाए इस दिशा में आपके सुझाव और साझेदारी जी ट्वेंटी जैसे आयोजन की सफलता को नई ऊंचाई देंगे मुझे विश्वास है ये आयोजन न केवल भारत के लिए यादगार रहेगा बल्कि भविष्य भी विश्व के इतिहास में इसका आकलन एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में करेगा इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं